मॉर्निंग दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो मेरे नए ब्लॉग के अंदर आपका स्वागत है मेरे चैनल पे पूनमार ब्लॉग्स, मेरा आपका चैनल। तो यहाँ पे सुबह का दूध मैंने निकाल लिया था, अब 6:30 हो चुके थे। बच्चे पहले जाग रखे थे, उनको सुला करके बाहर के कामों के लिए मैं तैयार, मतलब ये जो मैं पहनती हूँ वो पहन रही थी, क्योंकि पोटा वगैरह मतलब फेंकते हैं तो माटी का जो गमला होता है वो आ जाता है माटी। तो यहाँ पर इनका मैं बुखार देख रही थी, क्योंकि बुखार तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है इन लोगों को। सुबह का टाइम है, देख सकते हो आप कितना धुंध सी हो रखी थी, और मैं जब दूध निकालने के लिए उठती उस टाइम तो और भी धुंध थी। तो यहाँ पे मैं भैंस गाय को चारा डाल रही थी, और उसके बाद उनका जो बाट वाट डालते हैं खल वगैरह, तो उसके बाद वो डालना होता है। तब पहले तो मैं चारा डाल रही हूँ, उसके बाद फिर वो खल वगैरह भी डालेंगे। तो सुबह का टाइम, सुबह में 5 बजे उठने के बाद मेरा पहले जानवरों का काम होता है, उसके बाद ही अंदर का काम होता है। तो यहाँ पे ये डाल रही जानवरों का। तो यहाँ का सबका रूटीन है, जो भी गांव में कहीं भी रहते होंगे, अगर जानवर जो रखते हैं उनका सुबह उठते के साथ खुद खाओ ना पियो ना रास्ता करो ना करो, लेकिन पहले इन लोगों का होता है। तो हमारा भी कुछ इसी तरह का रूटीन है। तो आप वीडियो के अंदर कंटिन्यू बने रहें तो आपको अच्छा लगेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। तो बने रहें चैनल के अंदर। बस यहाँ पे मुझे मैंने चारा वारा तो डाल दिया, तो यहाँ पे मैं गोबर उठा के सारे को साइड में जो रखते हैं इकट्ठे के वहाँ पर रख रही थी, मतलब गोबर नागना, यहाँ तो यही कहते हैं गोबर नागना। तो मेरा सुबह का रूटीन यही है, मैंने बताया आपको, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे ये जोर आता है भाई, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद के घर के काम के लिए मुझे इतना मतलब रहती है भाई, यहाँ जितनी जल्दी होती ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर अगर मैं थोड़ी सी देर भी लेट उठ गई तो पूरा रूटीन मतलब बिगड़ जाता है, मतलब लेट खाना बनाना, लेट काम कंप्लीट होता है, फिर नहाना, तो सब कुछ लेट होता है, और बच्चों को भी उतना ध्यान नहीं दे पाते। इसलिए थोड़ा जल्दी उठ करके कोशिश ये रहता है कि जल्दी उठ करके जल्दी ख़त्म कर ले, क्योंकि अभी कुछ दिन से बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। देखो फाइनली गाइस, गाय का तो चारा वारा वाट वाट पोटा हो गया, अब सब में लगाना है, बारी काटना है। तो फटाफट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पे लगाना है पूरे में झाड़ू, तो आपको जितना दिख रहा है दूर दूर तक तो सब में लगाना है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था, और मैं लगा भी रही हूँ, देख सकते हो। तो वहीं पे मैंने खाट पे अक्षु को बिठा करके उसको बिठा दिया है, खिलौने दे करके उससे बातें भी कर रही हूँ, उसको खिला भी रही हूँ, और यहाँ पे मेरा काम भी कर रही हूँ। तो काफ़ी बार मुझे ऐसे करना पड़ता है, उसको मैं पास में बिठा करके उससे बोलती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, फिर मैं अपना काम करती रहती हूँ। और इस शू की तबीयत मतलब बुखार ज़्यादा था तो सो रखी थी, इसलिए मैं सोचती हूँ उसके उठने से पहले लगभग सारा आधा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए। और कभी कभी मैं नीचे झुक के लगा लेती हूँ झाड़ू, तो मेरी सांस फूल जाता है, तो कभी रुक जाती हूँ तो कभी लगाती हूँ। गुड मॉर्निंग, लाइक कर दो। सो गुड मॉर्निंग, और अक्षु मेरी वहाँ बैठी है, जैसे कि आपने पहले के ब्लॉग में देखा होगा, तबीयत दोनों को बहुत ज़्यादा खराब है, बुखार जुकाम खांसी तो इतनी ज़्यादा से कफ बन गया है,
और ठीक होने का नाम ही नहीं लिया बिल्कुल भी। तो गाइस बाहर का तो सारा काम मेरा हो चुका है और घर का सारा काम बचा है। तो आज का ये ब्लॉग कैसा लगा बताना कमेंट करके बताना, लाइक कर दो। इतना पहनाने उन्हाने के बाद मतलब इतने स्वेटर टोपी पहनाने के बाद फिर भी जुकाम बुखार इन लोगों को ऐसा पकड़ रखा है, जो पुराने जमाने की पिछले जमाने की कोई संगति हो ना बेटा, है ना। हाँ नमस्ते कर, धोख दे दो सभी को, धोख दे दो बेटा, गंदी बात, धोख दे दो, धोख बोलो बोलो धोख। सो गाइस ये ब्लॉग यहीं तक और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए ब्लॉग के अंदर। तो अभी बुखार का तो उनका पता नहीं, बुखार तो बाय।